नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। नशा मुक्ति अभियान के तहत सुहागपुर पुलिस ने ग्राम निपानिया में दबिश 619 नग गांजा के हरे पौधे किए जब्त। एनडीपीएस एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। थाना प्रभारी सुहागपुर अनिल पटेल ने बताया कि सूचना मिली कि सुगमता बेगा निवासी निपानिया का अपने घर में बाड़ी में काफी मात्रा में बिक्री हेतु गांजा के पेड़ लगाए हुए हैं। मुखबिर की सूचना प्राप्त होते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देश में ग्राम निपानिया पहुंचकर सूचना की तस्दीक करने पर पाया गया कि आरोपी सुगमता बेगा अपने निपानिया वाले घर की बाड़ी में हरे गांजा के 15 बड़े पौधा एवं हरे गांजे के 604 छोटे पौधे कुल 619 नग गांजों के हरे पौधा वे तरीके से बिक्री हेतु लगाए हुए हैं, जिसे कुल 619 नग हरे पौधा गांजा का जब्त कर उसे वजन किया तो 40 किलो 300 ग्राम होना पाया गया, जिसे उक्त आरोपी सुगमता बेगा के कब्जे से साक्ष्यों के समक्ष विधिवत जब्त कर आरोपी सुगवत के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुहागपुर अनिल पटेल, उप निरीक्षक आनंद कुमार झारिया, सहायक निरीक्षक राकेश सिंह बागरी, बालकरण प्रजापति, रजनीश तिवारी, प्रधान आरक्षक मनोज कुमार शुक्ला, शिवकरण यादव, आरक्षक गंगा सिंह, महिला आरक्षक वैशाली व्यास की भूमिका रही। केकेआर न्यूज के लिए शेड्यूल से ब्यूरो चीफ सुनील द्विवेदी की रिपोर्ट। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम निपनिया में सुखवंत बैगा की बाड़ी में गांजा के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। यदि समय से वहां पर रेत डाली जाएगी तो गांजे के पौधे बरामद हो जाएंगे। सूचना की तस्दीक एवं वैधानिक कार्रवाई हो थाना सुहागपुर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान एस जोगी महोदय के निर्देश पर वहां पर कार्रवाई की गई, जहां पर मौके पर गांजे के कुल 619 पौधे मिले, जिसका कुल वजन 40 किलो 300 ग्राम निकला। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।